गुरुग्राम रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर मामला, आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी गगनदीप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर ये मामला है। ये दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है ये कुछ मेहमान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर के तौर पर ड्राई आइस सर्व की गई, जिससे खाने के बाद इनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है, आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी गगनदीप न्यायिक हिरासत में। एक परिवार अपने जन्मदिन मनाने के लिए, घर के एक सदस्य के जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्टी करता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आज इस रेस्टोरेंट में उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। यहां जैसे ही उन्हें माउथ फ्रेशनर के नाम पर ड्राई आइस खाने को दी जाती है, उसके बाद वो इस हालत में भी नहीं होते कि जन्मदिन की पार्टी मनाए या फिर अपनी जिंदगी की जंग लड़े। ये एक रेस्टोरेंट की लापरवाही है। इस खबर को देख आप समझ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या। वैसे अब खाद्य विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ ये लोग पूरी तरह तड़प रहे हैं, इनके मुंह में तेज जलन हो रही है, इस महिला के मुंह से खून भी निकल रहा है। हालत इतनी गंभीर होती जा रही है कि मजबूरी में इन्हें पुलिस को भी बुलाना पड़ा है। यहाँ इस वक्त ये लोग पूरी तरह से दहशत में आ चुके हैं। ये सभी लोग इतने घबरा गए हैं कि इन्हें नहीं पता कि अगले पल इनके साथ क्या होने वाला है। ये पूरा मामला गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे का है। गुरुग्राम के सेक्टर 90 में एक रेस्टोरेंट के अंदर जब माउथ फ्रेशनर दिया गया तो लोगों के मुंह से खून की उल्टी आ गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 90 में, उसी रेस्टोरेंट के सामने। आप सामने देख सकते हैं कि ला फॉरेस्टा जो रेस्टोरेंट है, यही 2 तारीख को एक परिवार के सदस्य खाना खाने के लिए आए थे। दरअसल ये लोग एक जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए थे, लेकिन माउथ फ्रेशनर के नाम पर इन्हें खाने में ड्राई आइस दे दी गई, जिसके बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है और 2 का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि एक शख्स आईसीयू में भर्ती है। पूरा जल रहा है सबको अंदर। जिस टाइम इन्होंने खाना खा लिया है, एंड में जब खड़े होने लगे, माउथ फ्रेशनर देते है ना, वो माउथ फ्रेशनर दिया, करीब 7-8 बच्चों ने डाला। जैसे जैसे डालते गए, 10 सेकंड बाद 15 सेकंड कुछ होने लग गया, मुंह में ब्लड आने लग गया, चीख चिकाड़ा पड़ गया, बाकी के कुछ लोग बच गए। होटल वालों ने कोई हेल्प नहीं की, ना पुलिस ने भेजी। उसमें से एक जिसने बेबी उठा रखा था, एक बेहोश की अवस्था में, दोनों गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों पर लेके आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल। डॉक्टर के मुताबिक जब इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इन सभी की हालत बेहद गंभीर थी। 2 पेशेंट्स तो काफ़ी हद तक स्टेबल थे, बट दी अदर 3 पेशेंट्स, वो उनको काफ़ी एक्सटेंसिव बर्न्स थे, मतलब ओरल कैविटी काफ़ी बर्न थी। तो जो हम लोकली एग्जामिन कर पा रहे थे, हमें देख के पता लग रहा था कि ये एक कोरोसिव टाइप की इंजरी है, मतलब बहुत कम समय में इतना डैमेज कर रहा है। तो उसमें हम सोचते हैं, जैसे ये टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, उनसे भी यही टाइप का बर्न्स होते हैं। ड्राई आइस जो कि एक्सीडेंटली कभी किसी कोई कंज्यूम कर ले, तो उनमें भी इस टाइप की इंजरी हमें देखने को मिलती है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुट गई है। वैसे इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ड्राई आइस जो इन्हें माउथ फ्रेशनर के नाम पर दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक ड्राई आइस -78.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस यानी सॉलिड रूप होता है। इसका उपयोग आमतौर पर रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। मनोरंजन और थिएटर में धुआं या कोहरे का प्रभाव पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा ठंडक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिसाव की संभावना के कारण गलती से इसे खाने या निगलने पर ड्राई आइस अत्यधिक खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। आरोपी गगनदीप भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक और वेटर फरार है। सवाल है कि आखिर रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के नाम पर ड्राई आइस का जहर परोसने वाले अपनी कमाई के चक्कर में कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर को देखने के बाद आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ड्राई आइस आखिर क्या होती है, ये कैसे जानलेवा हो सकती है, और इसे गलती से खा लिया तो क्या करना चाहिए, ये जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि इसे खाने से
फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है जिसमें आपकी त्वचा और टिश्यू को नुकसान हो सकता है। इसे खाने से आपके गले में जलन हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडी बर्फ होती है। इसके सेवन से शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो सकती है, साथ ही पेट में दर्द और आंतों में सूजन आ सकती है। यही नहीं, इससे दम भी घुट सकता है। अगर आपने इसे गलती से खा भी लिया है तो आपको सबसे पहले तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए, जबकि जबरदस्ती उल्टी करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे आपकी आंतों को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको घबराना नहीं चाहिए बल्कि आसपास मौजूद लोगों से मदद लेनी चाहिए।